हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको ड्राइंग एंड क्राफ्ट, कलरिंग क्राफ्ट, जैसे जो आप देख रहे हैं एक फिश और बटरफ्लाई, ये ड्राइंग करने के लिए मेरे पास एक ऐसा प्लेन कागज़, ये कागज़ को मैं एक बार इस साइड पे ऐसे मोड़ देता हूँ ताकि इसके दो पार्ट्स हो जाएं। नाउ मैं ये बटरफ्लाई, इनके ऊपर एक ऐसा बटरफ्लाई का हाफ शेप, कैसा इतना ये वाला हाफ शेप ड्राइंग किया है, इसको तो मैं फिर ड्राइंग करूँगा बराबर। उसके बाद एक फीस जो है वो फीस भी मैं ऊपरी हिस्से में ऐसे ड्राइंग की। मैं आपको ऐसे दो, एक बटरफ्लाई, मैं बटरफ्लाई को अगर आपको ये कटिंग करने में कोई भी दिक्कत आए तो बड़े भाई बहन या मम्मी से बोलेंगे कि ऐसा शेप मुझे इनमें से कट कर दीजिए। नाउ यहाँ मैं एक और दो ऐसे जिगजाग कट करूँगा तो ये एक बटरफ्लाई जैसा शेप मेरे पास रहेगा। मुझे उसका काम नहीं है, मुझे ये वाला जो शेप दिखता है उसका काम है। नाउ मैं ये शेप यहाँ, ये जो क्रीज आपने लगाई थी उसको आप सीधा कर दीजिए, ये यहाँ मैंने ऐसे रखा तो आप देख सकते हैं कि ये एक वाइट पेपर लिया, उस वाइट पेपर पे मैं यहाँ ऐसे ये बटरफ्लाई रखता हूँ। अब नाउ मेरी टेक्निक क्या है, स्प्रे वर्क, जो मेरे पास पुराना मेरा ही टूथपेस्ट है तो टूथब्रश से ये मैं इसके ऊपरी हिस्से में वाटर कलर, क्या डिफरेंस कलर्स के मेरे पास वाटर कलर है, वो वाटर कलर को मैं इसमें, आपको करना क्या है कि ब्रश से ये जो टूथपेस्ट है उस पर हम पेस्ट लगाते हैं, उनकी जगह अब आज मैं क्या लगाऊंगा, आज मैं ये कलर्स लगाऊंगा इसमें, फिर इससे ब्रश नहीं करना है आपको। अब इसको टेक्निक क्या है, ये उंगली यहाँ रखिए चार, और ये थंब है ये इस पर आना चाहिए, तो इसको आप ऐसे, अब ये यहाँ से देखो ये सब हाइट पे दिखता है, तो इस पर आप, आपके पास जो भी कंपास बॉक्स है बराबर, या कॉइन है, या एनी वन, आपके पास जो भी थोड़ी वजन इस पर, ये इस पर दबा रहे, इसका हम यूज़ क्या करेंगे, ये इस पर दबा रहे ऐसा। फिर अब मैं आपको ये टेक्निक वाला पोर्शन में ऐसे देखना, दिखाई दिया आपको, ये इसको स्प्रे वर्क बोलते हैं। एकदम लाइटली मैं अब एक कलर्स का मैंने इस पर ये स्प्रे लगा दिया। अब मेरा बाकी का भी जो निचला कागज़ दिखता है वहाँ भी मैं ऐसा एक रख सकता हूँ। नाउ
मैं अब एक कलर और येलो कलर से लेता हूँ। थोड़ा येलो कलर लेके मैंने उसी कलर्स पे ऐसे लगा दिया। आपका इंस्ट्रक्शन यह है कि ब्रश में पानी कम और कलर ज़्यादा और थोड़ा ये हाइट पे रखने का है, डायरेक्ट यहाँ लगाने का लगाना नहीं है। अब मैं ये एक स्प्रे येलो कलर का भी मैंने इस पर लगाया, हाइट पे रख के जाता जाना है और बारी बारी पे एक और कलर लगाया। नाउ मैं वही ब्रश पे अगर मुझे अलग अलग डिफरेंट कलर्स ही दिखाने हैं तो मैं हर बार ब्रश को पानी में ड्राई कर दूंगा। नाउ अब आप देख सकते हैं कि अब मैंने ये जो कागज़ चिपका रहे इसके लिए डिफरेंस कलर्स के ऐसे बॉक्सेस रखे थे वो सब मैं ले लेता हूँ, इनको भी मैं उठा लेता हूँ। फिर अब मैं इसको ऐसे आपको दिखाऊंगा तो ये एक बटरफ्लाई जैसा शेप नहीं पर बटरफ्लाई ही आपको मिलेगा। फिर इसकी डिटेलिंग एक राउंड में यहाँ बना देता हूँ, फिर ऐसे और ऐसे। ये डिफरेंस कलर से आप ये दिखा सकते हैं। फिर आपको इसको और भी अट्रैक्टिव बनाना है तो आप इनमें भी डायरेक्ट ब्रश से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। तो देखिए ये वाला बटरफ्लाई और ये दोनों बटरफ्लाई एक कागज़ में आप बड़ा इसे छोटा ऐसा भी डिज़ाइन बना सकते हैं। नाउ अब कागज़ में मैंने एक ऐसी फिश ड्राइंग कर रखी है। मैंने आपको बताया कि सीज़र या कटर का यूज़ आप जब करें तो बड़ों को साथ रखें या आपसे ना बन सके तो मम्मी भाई बहन या पापा से कहेंगे कि मुझे ऐसा एक शेप एक कागज़ में आप कट कर दीजिए। ना मेरे पास एक ऐसी फीस, ये फीस को भी मैं आपको एक टेक्निक दिखाऊंगा, मगर मुझे तो अभी काम है ये फीस का। अब मैं ये फीस यहाँ रख देता हूँ। ना फिर से अब मैं ये मेरा टूथपेस्ट जो है उसको मैं धो देता हूँ। मैं ये टूथब्रश पे ऐसे वायलेट कलर्स का यूज़ करते हुए मैंने आपको हर बार ये ब्रश से ही ब्रश पे कलर को पेस्ट करना है, नहीं कि आपने जो कलर बनाया उसमें डिप करके। नाउ मैं ये हाथ रख के आपको बताया था ऐसे ही मैं यहाँ ये इसकी एजेस है वहाँ आप पूरी तरह से डार्क बनाइए और बीच में आप इसको थोड़ा लाइट रख सकते हैं। दिखता है आपको ये क्या टेक्निक चल रहा है। नाउ मैं फिर एक बार कलर्स में ब्रश को थोड़ा डिप करके यहाँ चारों ओर आपको ये कलर्स फिल करना है।
नाउ मैं फिर से इस पे ये स्प्रे वर्क कर रहा हूँ। देखा कैसे कलर इस पे स्प्रेड हो रहा। आप जितना भी डार्क करना चाहे उतनी बार इस पे ये स्प्रे कर सकते हैं। और जितनी बार स्प्रे करेंगे उतनी बार ये डार्क होता जाएगा। देखिए नाउ ये मेरा ड्राइंग कंप्लीट हुआ। अब मैं ये हिस्से को यूं लूंगा। तो देखिए आपके पास जो ड्राइंग बुक में एक फिश और बटरफ्लाई है ऐसे ही दो शेप आप अपने हिसाब से भी कोई भी एलिफेंट है डियर है और डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट डिज़ाइन के ये सब शेप आप कट करके स्प्रे वर्क कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ ये फिश की आइज भी ड्राइंग कर सकता हूँ कोई भी एक कलर से। अब आप ये स्प्रे वर्क करने के बाद आप डिफरेंट डिज़ाइन से भी इसको डेकोरेटिव कर सकते हैं। जैसे फिश में ऐसे स्ट्रक्चर लगा सकते हो, ये बटरफ्लाई जो कलरफुल होता है ये कलरफुल में भी आप इसमें डिफरेंट डिज़ाइन से इसको डेकोरेटिव कर सकते हो।